दोस्तों, मैं पंकज दवानिया आज आपको जनरेटर ट्रांसफार्म के बारे में बताऊंगा और इसका पार्ट वन मैंने दे रखा है, तो अब ये दूसरा पार्ट है क्योंकि इसमें एक एक चीज मेरे को आपको बतानी पड़ रही है क्योंकि मैंने इसकी वीडियो पहले बना रखी है, आप समझ नहीं रहे तो उस वजह से मैंने एक पार्ट पहले दे रखा, वो देख लो। अब ये दूसरा पार्ट है, इसमें मैं उससे आगे की जानकारी आपको बताता हूँ, ठीक है जी। ये ट्रांसफार्म है थ्री फेज का, आप सिंगल फेज का भी ऐसे लगा लें तो जिस तरह का सिंगल होता है उस तरह का थ्री फेज होता है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि सिंगल क्या है थ्री फेज सेम निकलते हैं, कोई कम ज्यादा तार नहीं होते हैं और जैसे कि मोटे दो निकलेंगे तो उसके भी मोटे दो निकलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो ये तार है हमारे, ये इसमें छह तार निकल गए मोटे, जो छह तार मोटे निकलेंगे और हमारा जो आर्मेचर पे जाएगा, जिस तरीके का हमारा आर्मेचर है ये स्लिपलिंग हो गया हमारा, ठीक है जी, ये स्लिपलिंग पे गया और जो हमारा इसका पहला तार है, जो हमारा फर्स्ट तार है, जो मोटी तार का और बड़ी तार का हमने जो मिलाया था पिछली वीडियो में देख लेना आप, तो उसे जो मिलाया था हमने वो हमारा सीधा आर्मेचर पे जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो पहला तार है इसका, जैसे कि ये पहला हो गया, इसका पहला हो गया और इसका पहला हो गया, और सिंगल फेज में भी आपका ऐसी है कि जो आपका पहला होगा वो ही आर्मेचर पे जाएगा और जो थ्री फेज का है वो भी आपका आर्मेचर पे जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये बारीक और मोटा दोनों उस पे जाएंगे आर्मेचर पे, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये हमारे तीनों तार आर्मेचर पे जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसे आर्मेचर पे तीनों तार दे देंगे मोटे और बारीक, या सिंगल फेज का होगा तो एक तार जाएगा और जब इसके मोटे बारीक आप तार दे दोगे तो इसमें ये करंट सही तरीके से फॉलो करेगा, तो इसकी जो वाइंडिंग होती है उल्टी सीधी लिफ्टी होती है, जो हम क्या करते हैं पहले मोटी लपेट लेते हैं, मोटी लपेटने के बाद उसी दिशा में हमें बारीक लपेटनी पड़ती है, तो ये ज्यादातर हमारे व्यूअर गलती कर रहे हैं जो वो वाइंडिंग कर लेते हैं फिर उनकी दिक्कत करती है करंट नहीं बनाता। तो चौक का ये थोड़ा आप ये ध्यान रखें कि जिस दिशा में मोटा तार लपेटते हो उसी दिशा में है बारीक तार आपको लपेटना है, ठीक है जी। तो मैंने आपको ये बताया है कि ये आर्मेचर का तार है, ये तीनों जो हमारे तार है मोटे वाले, मोटे और बारीक प्लस जो फर्स्ट फर्स्ट है, ये दोनों फर्स्ट है, वो हमारे आर्मेचर पे जाएंगे। तो ये आप देखो, ये समझो कि क्या कहना चाह रहे हैं, ये थ्री फेज के बना रखे हैं, सिंगल फेज के में दो तार होंगे और थ्री फेज के में छह तार होंगे, बस ये अंतर है दोनों में, ज्यादा अंतर नहीं है। तो इस चीज को आप नोटिस कर करो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, तो इस चीज को आप जब ध्यान दोगे और जब आप इसमें सही से तार लगाओगे और इसका जो दूसरा तार है वो मेन सप्लाई पे जाएगा, जैसे हैगा मेन सप्लाई में जाएगा ये सब, और ये वाला भी और ये वाला भी, ये सब मेन सप्लाई पे जाएगा। तो आपको ये देखना है कि मेन सप्लाई पे कौन सा आ रहा है और आर्मेचर पे कौन सा जाना है, और जो हम ये गलती करते हैं तो उसमें हमारा करंट नहीं बनाता है या कोई दिक्कत करता है, तो जिस चीज में हम भूल जाते हैं और फिर हम इस पर कन्फ्यूज रहते हैं कि कोई हमारा अल्टरनेटर समझ में नहीं आ रहा है और बार बार कमेंट करते हैं, तो काफी कमेंट इसी चीज पर आ रहे थे। तो इस वीडियो में थोड़ा सा आपको डायग्राम की मदद से आपको बता दिया, इसमें आप कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है जी। और मैंने थोड़ा सा आपको तार बताने की वो करी है, जो आपको ऐसा अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट करें, और वीडियो में छोटी छोटी एक एक चीज बना के, और वीडियो में क्योंकि एक एक पार्ट बताना है तो मेरे को इतनी वीडियो गिननी पड़ेगी, और वीडियो देख लेंगे, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें पंकज दवानिया चैनल को इस लाल बटन को दबा के, और नई वीडियो पाने के लिए सबसे पहले मैसेज पाएं अपने मोबाइल पे इस बेल आइकन को दबा के।